गांधीनगर महानगरपालिका की चूंटणी ब्यूगल फूंकाई चुक्यू छे। कोरोना ने कारण स्थगित रखायेली चूंटणी आगामी 3 ऑक्टोबरे योजावा जई रही छे। आ चूंटणी तमाम राजकीय पक्षों माटे परीक्षा समान छे, कारण के कोरोना की बीजी लहर बाद राज्य में प्रथम चूंटणी छे। कोरोना की बीजी लहर में लोगों ने सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में खूब ज मुश्किली सामनो करवो पड़ो। एटलू ज नहीं, कोरोना काल में मोंघवारी बांझा मूकी, पेट्रोल डीजल और रांधण गैस सहित तमाम चीज वस्तुओं मोंघी थी गई है। प्रजा में रोष जोवा मळ्यो तेवा समय भाजप ने विश्वास है कि गांधीनगर महानगरपालिका में कमळ खीलू छे। नायब मुख्यप्रधान नीतिन पटेले हुंकार भर्यो कि लोग भाजप पर ज विश्वास मूकशे। किंजल मिश्रा अमारा संवाददाता वधु जानकारी आपी रह्या छे। किंजल, गांधीनगर महानगरपालिकानी चूंटणी के जे हवे योजावा जई रही छे, बन्ने पक्षोमां खास तो शुं रणनीति अत्यारे देखाई रही छे के आ प्रकारनी तजवीज हवे इलेक्शन ने लईने देखाई रही छे? जी विधि, गांधीनगर की जो बात करवामां आवे तो लिटमस टेस्ट चोक्कस कही शकाय न मात्र भाजप माटे परंतु कोंग्रेस माटे पण कही शकाय। अने आ वखते गांधीनगर की अंदर रसप्रद रीते त्रिकोणीय जंग पण जोवा मळी शके छे, केम के आ वखते आम आदमी पार्टी पण गांधीनगर महानगरपालिकानी चूंटणीमां मैदाने छे। ए वात अलग छे के आम आदमी पार्टी द्वारा तमाम वोर्डमां पोताना उम्मेदवार उभा नथी करवामां आव्या, परंतु चोक्कस केटलाक जे सेन्सिटिव वोर्ड छे तेमां आम आदमी पार्टीए पण पोताना उम्मेदवार उभा कर्या छे। जो एजेंडानी वात करवामां आवे तो सरकार माफ करशो, भाजपनी वात करवामां आवे तो भाजप द्वारा एक स्पष्टता करवामां आवी छे के कोरोनानो काळ हतो के अन्य कोईपण समस्याओ हती, भाजप द्वारा सरकार द्वारा तमाम पगला वहीवटतंत्र द्वारा लेवामां आव्या छे, एटले फरीथी लोको तेमनी पर विश्वास मूकशे। परंतु जो वात कोंग्रेसनी करवामां आवे तो कोंग्रेस सीधो आक्षेप भ્રષ્ટાચારનો વર્તમાન વહીવટતંત્ર ઉપર અને સરકાર અને સંગઠન ઉપર લગાવી રહી છે કે અને સૌથી મહત્વની વાત કે જો શિક્ષણની વાત કરવામાં આવતી હોય કે રોજગારની વાત કરવામાં આવતી હોય કે રોડ રસ્તા અને ગટર પાણીની વાત वर्तमान महानगरपालिका सत्ताधीशो भाजप द्वारा जो प्रकार की कामगिरी 5 वर्ष में करवी जो कर बीजी तरफ भाजप पण मक्कम छे के भाजप पोताना द्वारा करायेला जे 5 वर्षना काम छे तेनी तो वात करशे, तेनी साथे कोरोना महामारीमां केवी रीते कामगीरी करवामां आवी छे अने तेनी साथे सौथी महत्वनी वात के सरकार द्वारा शुं कामगीरी करवामां आवी छे, केन्द्रीय स्तरे शुं कामगीरी करवामां आवी छे, तमाम मुद्दा पर चर्चा करशे। विधि, आ आखो जे मुद्दो छे एटले रसप्रद छे, केम के कोरोनानी बीजी लहेर बाद नी थई रहेली आ पहेली चूंटणी छे। गांधीनगर की जो बात करवामां आवे तो गांधीनगर लोकसभा ए केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह की लोकसभा मानवामां आवे लोकसभा छे। अत्यार सुधीनो ट्रेक रेकॉर्ड जोवामां आवे तो अत्यार सुधी लगभग 10 वर्ष थई गया, एटले के त्रीजी चूंटणी छे गांधीनगर महानगरपालिकानी, परंतु सीधी रीते भाजपने आ जे गांधीनगर महानगरपालिका छे तेनी पर सत्ता मेळवामां सफळता मळी नथी, तडजोडनी राजनीति करवी पड़ी छे। सीमांकन नवा थया एटले के अत्यार सुधीमां जे 8 वोर्ड हता तेनी जग्याए हवे 11 वोर्ड छे। नवा सीमांकन बादनी आ पहेली चूंटणी छे, केटला ग्राम्य विस्तारो तेनी ज्यारे महानगरपालिकामां एड थया छे त्यार बादनी आ पहेली चूंटणी छे। तमाम जे भाजप अने कोंग्रेस एडी चूंटीनो जोर लगावी रह्यु छे। कोंग्रेसनी वात करवामां आवे तो गांधीनगर जिल्लो ए कोंग्रेसनो परंपरागत जिल्लो मानवामां आवतो हतो, परंतु गत चूंटणीनी अंदर गांधीनगर जिल्ला पंचायतमां पण भाजपने जीत मळी छे। एटले कही शकाय के भाजप द्वारा गांधीनगर जिल्ला पंचायतमां ज्यारे जीत मळी छे त्यारे गांधीनगर महानगरपालिका माटे एडी चूंटीनो जोर लगावी रह्या छे। तो बीजी तरफ कोंग्रेस माटे हवे आ पोताना वर्चस्वनो सवाल छे, एटले कोंग्रेस द्वारा पण कोंग्रेसना प्रभारी सहित कोंग्रेसनी टीम द्वारा હવે લોકસંપર્ક પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તમામની વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટી પણ મેદાનમાં છે, એટલે કે ત્રિપાખીઓ જંગ અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે। કેમ્પેન હજુ શરૂ થયું છે ત્યારે પ્રજાનો મન કડવું એ થોડુંક મુશ્કેલ છે, પરંતુ એ વાત ચોક્કસ છે કે આ લિટમસ ટેસ્ટ ન માત્ર ભાજપ માટે પરંતુ કોંગ્રેસ માટે પણ છે અને આમ આદમી પાર્ટી માટે પણ છે, કેમ કે સુરત મહાનગરપાલિકામાં આમ આદમી પાર્ટી પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે અને જે રીતે પ્રશાસનની અંદર સવાલો ઉભા કરી રહ્યા છે, જે રીતે જે કહી શકાય કે સુરતની સમસ્યાઓ છે તેની પર આમ આદમી પાર્ટી અને જે કોર્પોરેટરો છે તેના દ્વારા સ્પષ્ટતાથી ફાઇટ આપવામાં આવી રહી છે, ત્યારે તમામની જે અસર છે તે ગાંધીનગરની ચૂંટણી પણ કેવી રીતે પડશે એ તે ખૂબ જ રસપ્રદ આગામી દિવસોમાં થવાનું છે। બિલકુલ, લોકો કોની પસંદગી કરે છે પણ જોવું રહેશે ને કયા પ્રકારે હવે તમામ જે પક્ષો છે એ પણ પોતાની રણનીતિ સાથે આગળ વધે છે તે પણ જોવું રહેશે।